समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र टूंडला के एक गुरुद्वारे में खड़ा हुआ हूँ। आज प्रकाश वर्ष पूरे संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। उस प्रकाश वर्ष को लेते हुए आज मैं टूंडला के गुरुद्वारे में खड़ा हुआ हूँ, जो दसवें गुरु सिख धर्म के दसवें गुरु थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों पर जब जुल्म किया जा रहा था औरंगजेब के द्वारा, तब गुरु गोविंद के पिता ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, अपना त्याग कर दिया, और जिसको लेकर वो 9वीं वर्ष में ही उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब होता है खालिस, निर्मल, पवित्र और स्वतंत्र। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ गुरुजी खड़े हुए हैं और सिख धर्म के गुरुजी खड़े हैं। आइए हम उनसे गुरुद्वारे में जो भी खड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं गुरुजी का क्या योगदान रहा। गुरु गोविंद जी का वाह वाह। गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 353वें जन्मदिवस पर आज टूंडला में भव्य आयोजन हुआ गया, जिसमें सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की समाप्ति हुई, उसके उपरांत गुरु नानक इंटर कॉलेज के बच्चों द्वारा कीर्तन हुआ, उसके उपरांत हजूर गांधी जत्ता भाई जतिंदर सिंह जी द्वारा कीर्तन हुआ, उसके बाद आगरा से आए भाई मेजर सिंह जी के द्वारा कीर्तन शब्द वाणी का कीर्तन हुआ, फिर अरदास, उसके बाद गुरु के अटूट लंगर बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इस देश पे बहुत बड़ा एहसान है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने चार पुत्र इस देश की को कुर्बान कर दिए, अपने पिताजी गुरुतेग बहादुर जी इस देश को कुर्बान कर दिए, अपनी माता गुजरी जी इस देश के लिए कुर्बान कर दिए। इसलिए हम ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को इनका बहुत ही बड़ा एहसानमंद रहना चाहिए। और इनका प्रकाश उत्सव सिर्फ सिख ही नहीं, सब धर्म के लोग मनाते हैं, क्योंकि इनने गुरु सिर्फ इस हम एक सिखों के लिए नहीं, सब पूरे भारत के लिए, हर धर्म के लिए की रक्षा करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना करी। और वो खालसा पंथ आज भी आप देखते होंगे कि कहीं भी कोई परेशानी या कोई बाढ़ आ जाती है, कोई परेशानी होती है, तो खालसा पंथ के लोग वहाँ जाके लोगों की मदद करते हैं। खालसा पंथ का खाली मकसद लड़ना नहीं होता, खालसा पंथ का मकसद होता है ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना। और हम इसी उद्देश्य को लेकर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस उद्देश्य को लेकर पूरा खालसा पंथ लोगों की मदद करता है। जहाँ खाने की जरूरत होती है वहाँ लंगर की सेवा लगाता है, जहाँ कपड़ों की जरूरत होती है वहाँ कपड़ों की सेवा करता है। और गुरु महाराज ने हमारे को यही उपदेश दिया कि सर्व धर्म एक है, कोई धर्म मंदा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब धर्म सब एक ही रास्ता से दिखाते हैं। अव्वल अन्ना नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उठिया, कौन पले गुरु बंदे सबका हम रास्ते अनेक हो सकते हैं पर मकसद एक ही है। तो सबसे पहले जन सेवा, हम लोग जन सेवा, जो भी गुरुद्वारों में सेवा हो रही है वो जन सेवा के लिए होती है, जैसे लंगर करना, छकाना और मेडिकल सुविधा। हमारे यहाँ भी होम्योपैथी की क्लिनिक मेडिकल चलती है और भी जो सुविधाएँ हम लोग करते हैं, जो भी हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। और एक इसी मकसद को लेते हुए हम यहाँ पे गुरुद्वारा टूंडला के लोग और सब धर्म के लोग हमें सहयोग करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टूंडला के सारे धर्म के लोगों को जिनने हमारा भरपूर सहयोग किया इस सब प्रोग्राम करने में। बोले पर्व को लेकर सर जनता को क्या और संदेश देना चाहते हैं, टूंडला की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं भैया? पास में आकर मानस की जात सब एक पहचान वो, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नारा है। और सभी संगत को गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, क्योंकि जब औरंगजेब सारी दुनिया को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था, सवा सवा मन जनेऊ उतार कर वो खाना खाता था और हिंदू लोग अपनी लड़कियों के सिर काट कर ले जाते थे, क्योंकि एक सिर का मूल केवल 80 रुपये रखा हुआ था। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 की बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की और ऐसा खालसा न्यारा खालसा तैयार किया जो जुल्म के टाकरा किया और जुल्म को समाप्त कराया। और उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी माता को, अपने पिता को इस देश धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। सभी
टूंडला निवासी और सभी साध संगत से बेनती है कि गुरु साहब को नमन करें, गुरु साहब को सजदा करें और हम एहसान मंद हैं गुरु साहब के। ऐसा कोई सर्वंशदानी ना हुआ है और ना ही होगा। गुरु साहब ने सारे धर्मों को एक किया है, क्योंकि हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। सभी लोग, सभी संगत से बेनती है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें देहधारी को छोड़ करके वाणी के लड़ लगाया है। 1708 में नारायण में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को इकट्ठा टेका था और कहा था, आज्ञा भई अकाल की तब गुरु ग्रंथ साहब जी सभी के गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर 15 भक्तों की वाणी है, 11 भक्तों की वाणी है, 4 गुरु सिख और 6 गुरु साहबान की वाणी है। जहाँ सदना कसाई की वाणी है, फिर फरीद की वाणी भी है। जहाँ त्रिलोचन जी ब्राह्मण जी की वाणी है, वहाँ परमानंद रामानंद की वाणी है। इसलिए सभी गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी जो हैं सभी के गुरु हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं आज प्रकाश वर्ष को लेकर? आज साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सर्वंशदानी अमृत के दाते कल की तर पिता शमशेर बहादुर साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का आज 353वां पावन प्रकाश उत्सव जो सारी दुनिया के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ये के बारे में आप जानते ही हैं, सब दुनिया जानती है। सर्वंशदानी, उन्होंने अपना सर्वंश अपने पिताजी, अपने माताजी, चारों साहबजादों को शहीद जंग के अंदर चमकौर साहब का जब युद्ध हुआ उस वक़्त 40 सिख साहबान थे। 40 सिख साहबानों ने 4 साहबजादे थे, 5-5 करके 10 लाख फौज को, 10 लाख मुल्क फौजों को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। और जीत किन की हुई? जीत हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की। बोले फतेहगढ़ साहब में सरहंद में, जब सरहंद में बच्चों को उन्होंने दीवार में चिनाया, उस वक्त माता गुजरी जी ने बच्चों को खूब समझाया कि जालिमों के आगे आप झुकेंगे नहीं, आप जालिमों के आगे झुकेंगे नहीं। सो इस पर्व की जो भी हमने नगर कीर्तन निकाला है कुंडला के अंदर, 15 दिसंबर को हमने एक विशाल नगर कीर्तन निकाला था, उसमें काफ़ी हमारी जो सिंधी समाज, पंजाबी समाज, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई सबने बहुत बड़ा सहयोग किया है। हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन सबका कोटान को धन्यवाद करती है।